मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई को कि मेरी बच्ची को मारा गया है। कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने एलिगेशन करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है उसके बियॉन्ड कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई। मेरे क्लाइंट ने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आफ्टर रीडिंग जजमेंट और उसका क्या एनालिसिस है उसके ऊपर फिर आगे हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू करें। भाई मैंने आपको बता दिया है अबेटमेंट सुसाइड अब एक्वेट हो गया, लेकिन अब सवाल रह गया है मर्डर का, राइट। और मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई को कि मेरी बच्ची को मारा गया है, ये केस 302 का है। अब सीबीआई के पास इवन अबेटमेंट के कोई एविडेंसेस नहीं थे, तो यू नो कोर्ट क्या करती है, रिस्पेक्ट कोर्ट्स डिसीजन, बिकॉज उन्होंने वो ही किया जो प्रोसिक्यूशन ने उनको दिया नहीं। सीबीआई ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये वर्डिक्ट शायद दूसरा होता। कॉज ऑफ डेथ वाज मेन पॉइंट। कॉज ऑफ डेथ पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीबीआई को दिए थे। उस रिप्रेजेंटेशंस में उन्होंने ये भी बोला था कि कॉज ऑफ डेथ इज नॉट जस्ट द सुसाइड। जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफर हुई थी, दैट ट्रांसफर वाज आल्सो विद अ पर्टिकुलर रीजन कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है, देर इज समथिंग मोर देन सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन वॉज नॉट कंटिन्यूड बाई सीबीआई इंडिपेंडेंटली, बट जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, कॉज ऑफ डेथ रखा था अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए। उन्होंने ये चीज़ और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था। जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन में रखे थे उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट ले गए, जैसे आदित्य पंचोली को। एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं क्या प्रूव करवाना, तो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था। तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा। हाँ, मेरे क्लाइंट ने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आफ्टर रीडिंग जजमेंट और उसका क्या एनालिसिस है उसके ऊपर फिर आगे हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू करें। कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने एलिगेशन करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है उसके बियॉन्ड कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई। लॉ इज अबव एवरीबडी। ऑनरेबल कोर्ट ने सारा एविडेंस एग्जामिन करने के बाद आज सूरज पंचोली का एक्विटल दिया है। अभी तक जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी हमारे हाथ में आई नहीं है। कुछ नोटबुक्स जब्त की गई थी जिस दिन अनफॉर्चुनेटली सुसाइड हुआ, 3 जून 2013 को, पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, देर वॉज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। 7 जून को किसी विटनेस को, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, किसी विटनेस को एक नोट मिली जिस नोट में ना किसी का नाम लिखा है, ना कोई डेट है, ना वो नोट किसी के लिए एड्रेस थी। पुलिस ने, जुहू पुलिस स्टेशन ने एविडेंस में ये रिकॉर्ड पे बोला है कि वो नोट जब हमने मांगी तो हमको नहीं दी गई लेकिन मीडिया को दी गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पहले सर्कुलेट हुई, ये रिकॉर्ड पे है, एविडेंस पे। अब उस नोट में जो हैंडराइटिंग है, सीबीआई ने क्या किया कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से ओपिनियन मांगा। ओपिनियन मांगते समय वो नोट जिस डायरी से मिली है, वो डायरी और एक नोटबुक, ये दोनों चीज़ें फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने बोला है जिस इंसान ने ये डायरी लिखी है, जिसने भी ये नोटबुक लिखी है, उसी ने ही एक खत लिखा और ये रिकॉर्ड पे आ चुका है। वो अभी जजमेंट आया नहीं इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि किसने ये नोट लिखी थी। जिया ने तो बिल्कुल नहीं लिखी थी।